शेयर करें, मैक्सिमम अगर हो तो वहीं तक को आप आदेश में लेंगे, इस पर हम लोग ध्यान। तो मुझे लिए फिगर चाहिए कि जितने क्वारंटाइन सेंटर हैं और उस पर जितने लोग रह रहे हैं। जो स्टेटस है वो यही है कि 11 बजे से 4 बजे तक अधिकतर दुकानें जो सरकार द्वारा परमिशन है उसको हम लोगों ने खोलने का अलाउ किया है। गोपालगंज में 2 पार्ट में, आधे शहर को 3 दिन, फिर आधे शहर को 3 दिन, बाकी ज़िला में 2-6 दिन खोल सकते हैं किसी भी जगह में, सिवाय ब्लॉक हेडक्वार्टर के, क्योंकि ब्लॉक हेडक्वार्टर में क्वारंटाइन बना हुआ है जहाँ काफ़ी संक्रमित लोग रह सकते हैं, तो इसलिए ब्लॉक हेडक्वार्टर का अभी तक निर्णय यही है कि वहाँ नहीं खुलेगा, बाकी पूरे ज़िला में हम लोग का वो चालू है। टेम्पो भी अलाउ किया गया है, लेकिन शर्त यह है कि कोई लोग भीड़ भाड़ नहीं लगाएंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो दुकान में लागू रहेगा, सभी लोग मास्क कंपल्सरी लगाएँ, तो ये अभी सिस्टम हम लोग का चल रहा है। इसके अलावा कभी गोपालगंज आता है गंडक नदी से, तो उसके भी मरम्मती के काम काफ़ी दिनों से चल रहा है, और हम सोचते हैं जैसा बताया गया है कि लगभग 80-90% काम हो भी गया है, उस पर भी हम लोग की नज़र है कि फलट का सिचुएशन यहाँ नहीं बनने दिया जाए, इस पर उसके पहले बांध और बांध के ऊपर जो सड़कें हैं वो ठीक है। इसी तरह से रोड्स, अब देखा होगा कि शहर का रोड बना और हर जगह रोड बन रहा है, NH जो अभी गोपालगंज से छपरा होकर जाती है सड़क करीब, तो उसमें भी काम रुका हुआ था काफ़ी दिनों से, तो वो हमारे किसान को बुला करके सभी से बात किया गया परसों, और बाईपास का रोड है उसमें काम तेज़ी से चालू हो गया है। मीरगंज में जो रुका हुआ उसके लिए हम लोग पूरा प्रयासरत हैं जो जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि ये रोड भी यहाँ चालू हो गए, अंदर की सड़कें भी जो ख़राब थी वो सभी अभी बनना शुरू हो गई है, तो उनको भी यहाँ पर रोज़गार देने के लिए कुछ उनके हिसाब से काम खोज करके उनको मदद किया जाए ताकि वो यहाँ पर काम करें। उसी सिलसिले में हम लोगों ने केवस ब्लॉक बनाने या फिर JBM बनाने, जिन्हें आपका महत्व क्षेत्र में बांसुरी बनता है उसके लिए बक्सा और अलमीरा अथवा क्षेत्र में काफ़ी काम होता है, तो इस तरह के जो स्किल लोग हैं उनको भी हम चिन्हित किए हैं और चिन्हित कर रहे हैं, उनको भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बिहार सरकार की तरफ से जितनी योजनाएँ हैं उससे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करके उनको यहीं पर काम मिले, लेकिन शर्त यही अभी है कि अभी क्वारंटाइन में लोग हैं तो तुरंत अभी नहीं हो सकता, जैसे क्वारंटाइन सेंटर फ्री होगा उसके बाद हम लोगों को इसमें काम में लगाएंगे। इसकी योजना बड़े पैमाने पर चल रही है, हमारे DDC साहब इसमें लगे हुए हैं और वो पूरा प्लान बना रहे हैं कि किनको कहाँ पर किया जाएगा और उनको चिन्हित करने का काम कर रहा है। उसे काम बन रहा तो सरकारी काम सभी को चालू किया गया, पिछले एक महीना से चल रहा है, मनरेगा वगैरह में काफ़ी काम चल रहे हैं, अभी हज़ारों की संख्या में योजनाएं चल रही हैं जिसमें जो बाहर से लोग आए उनको भी जॉब कार्ड दिया जा रहा है, उसमें भी हम लोग करीब 500-600 आदमी को लगाए हुए हैं, उन लोग भी काम कर रहे हैं। उसी तरह से नल जल में और हमारे वो जो नाली गली योजनाएँ हैं बिहार सरकार की, उसमें भी जो बाहर से लोग आए हैं उसमें लेबर और मेसन राजमिस्त्री उसको भी हम लोगों ने लगाया है काफ़ी संख्या में। इसके अतिरिक्त जो अलग विभाग हैं, भवन निर्माण विभाग, PHD है, रोड्स, उनमें भी इन लोगों को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वहाँ भी लोग काम करें। साथ में इनके हम लोगों ने जो हमारे मिल्स हैं, चीनी मिल हैं और दूसरे टाइप के लोग हैं, उनसे भी हम लोगों ने लेटर लिखा है, रिक्वेस्ट किया है कि आप भी जितनी ज़रूरत है इन लोगों को लें ताकि इनको बाहर जाने की नौबत ना आए, यहीं पर कुछ करें। इसके साथ ही जो लोग स्किल्ड हैं उनको नहीं कहना चाहिए, हम लोग नहीं कहते हैं प्रवासी मजदूर, इसलिए नहीं कहते हैं कि प्रवासी उनको कहा जाएगा जो भारत से बाहर है, जो भारत के अंदर है, आप महाराष्ट्र में, दिल्ली में रहे, सभी जगह केवल नागरिक प्रवासी नहीं है, बल्कि वहाँ रोज़गार के लिए गए थे हमारे लोग हैं और दूसरी जगह दूसरे शहर में गए हैं, तो पिछले दिनों काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन सिर्फ कराया पिछले एक महीना में 3 लाख लोगों का, 3 लाख लोग हमारे चक्कर से गुजरे हैं जिसका रजिस्टर्ड है, और एक दिन में 18,000-20,000 लोग जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए सरकार ने यहाँ से, क्योंकि यहाँ से अंदर सभी ज़िलों में भेजना पड़ता था कि एक दिन में 200-250 बस से भेजना थोड़ा इतना बस का इंतजाम करना मुश्किल, तो रेल ट्रेन की व्यवस्था की गई, 5 ट्रेनें लगातार यहाँ चली कई दिनों तक, और उसमें से हम लोगों ने हज़ारों लोगों को भेजा, लेकिन अभी आने की थोड़ा रफ्तार कम हो गया, अब जो है वो 20,000 से घट के 5,00,000-6,000-6,500 ऐसे हैं, तो उसी तरह से इसी क्रम में 2 ट्रेन बंद की गई, अभी 3 ट्रेन लेकिन चल रही है,
तो अब जब देखते हैं कि अगर ट्रेन से जरूरत पड़ेगी तो इतने लोग रहेंगे तो ट्रेन चलेगी, अन्यथा तो बस से अगर हम लोग संभव हो सके तो बस ही से कर लेंगे। ऐसी स्थिति में ट्रेन बंद करने की जरूरत पड़ेगी तो बंद करेंगे, अभी फिलहाल चल रहा है। जेल का इंस्पेक्शन करना हम लोग का रूटीन काम है, तो उसी के तहत आज हम लोग गए थे। तो जेल में अच्छी बात यहाँ है कि हम लोगों ने देखा कि साफ़ सुथरा है, काफ़ी मेंटेन जेल है यहाँ, और वहाँ पर खोज काफ़ी जांच के सभी जगह सभी वार्डों में जांच किया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। एक सिम मिला एक रूम में, तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं मिला। हॉस्पिटल में भी काफ़ी मरीज वहाँ थे, डॉक्टर्स आते हैं, इलाज करते हैं वहाँ पर, किचन वगैरह ठीक ठाक हालत में हम लोगों ने पाया। एक रूटीन काम है जो हम लोग जाके देखते हैं कि वहाँ की व्यवस्था सही रहे। कुछ मामला शौचालय वगैरह का है जिसमें मरम्मती की आवश्यकता है, तो वो भी हम लोग अभी भवन निर्माण विभाग से बहुत जल्द उसको भी करवा दिए। देखिए यहाँ पर जो अभी हम लोग का कोरोना का मामला चल रहा है, तो इसमें अभी तक इस ज़िला में 26,692 लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं, जिनमें से 6,292 लोग पहले आए थे जिनको कि होम क्वारंटाइन सीधे किया गया था। उस वक्त इतना प्रॉब्लम नहीं था, इतना ज़्यादा पॉजिटिव नंबर नहीं आता। और बाद में जो हमारे यहाँ आए 20,400 लोग, उसमें से अभी जो क्वारंटाइन किए 14 दिन पूरा करने के बाद 10,122 लोग वो घर जा चुके हैं, उनको होम क्वारंटाइन कर दिया, और 10,196 लोग अभी भी ये ब्लॉक क्वारंटाइन में हैं, और जैसे जैसे 14 दिन पूरा होता है उनको होम क्वारंटाइन में अगला 7 दिन के लिए इस डायरेक्शन के साथ अगला 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहेंगे, इसको हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ 197 क्वारंटाइन सेंटर पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, और उसमें क्षमता 16,175 जबकि रहने वाले अभी 10,196 है। कुछ ब्लॉक ज़्यादा आ गए हैं, काफ़ी हैं, जैसे बरौली है, सकरिया है, भक्कुट है, बाकी जगह कम है लोग। तो स्कूल में व्यवस्था भी हम लोग की गई है कि इनको हम लोग अभी जो पूरे हिंदुस्तान में जितने भी शहर हैं उसको कैटेगराइज किया गया है, बिहार सरकार ने कैटेगराइज किया है, और जैसे दिल्ली है, NCR है, महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, बेंगलोर, कलकत्ता, ये ऐसे शहर हैं जिनको माना गया कि काफ़ी संख्या में लोग संक्रमित हैं, तो वहाँ से जो आने वाले हैं हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इसमें अच्छी खासी संख्या पॉजिटिव की हो सकती है, इसलिए उनको क्वारंटाइन करना मस्ट है 14 दिन के लिए। और क्वारंटाइन में भी व्यवस्था की जा रही है कि आपस में मिक्सअप नहीं हो, अगर एक रूम में 2 आदमी रह रहे हैं, 3 आदमी रह रहे हैं, तो वहीं तक लिमिट रहे, इसलिए उनके पीने की पानी पीने की व्यवस्था अंदर में अलग से, उनके खाने की व्यवस्था अंदर में, शौचालय भी कोशिश ये किया जा रहा है कि सभी विद्यालयों में इतना शौचालय रहे कि हर कमरा के लिए एक अलग शौचालय रहे, पानी पीने पानी के जो नहाने वहाने के लिए वो भी टैप या चापाकल अलग रहे। तो इस चुका भी रिसेंटली ये हुआ है और काफ़ी लोग थे, अभी कम हो रहे हैं, तो अभी काफ़ी स्कूल में हो गया है और कुछ स्कूल में ये हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, 2 दिन के अंदर वहाँ भी हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब